व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू व्हाइट कॉलर बिजनेस। नवी मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, बजट आपका बहुत ज्यादा नहीं है, बजट कम है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, अच्छे लोकेशन में नवी मुंबई में चाहिए, तो ये मेट्रो स्टेशन देख रहे हो। मेट्रो स्टेशन से 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट है। आप बोलोगे भाई मेट्रो स्टेशन तो आप दिखाते हो, मेट्रो स्टेशन का नाम नहीं बताते। ये आप पीछे देख लो, सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है पेंदार मेट्रो स्टेशन। वहां पे भी अगर मैं कैमरा पैन करूं तो आप देखोगे पेंदार मेट्रो स्टेशन पूरा का पूरा मेट्रो बन के रेडी हो चुका है। और ये प्रोजेक्ट इसी महीने, अगले महीने जुलाई चल रहा है, 15 अगस्त के दिन इस मेट्रो की ओपनिंग है। कुछ भी नहीं तो मेट्रो ओपन होते ही 5 से 10 लाख रुपए हर प्रोजेक्ट के अंदर प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा टाइम है कि मेट्रो चालू हो जाए उसके पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर दो। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ, पूरी कनेक्टिविटी दिखाने वाला हूँ नवी मुंबई में। इस बजट में 1 BHK 2 BHK मेट्रो से इतना नजदीक आपको मिल ही नहीं सकता। यहाँ से मैं आपको मेट्रो का पूरा पट्टा दिखा देता हूँ, ये आप देख लो, कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है, पूरा बन के रेडी हो चुका है, बस अगले महीने इसकी ओपनिंग होनी है। प्रोजेक्ट के बगल में स्कूल कॉलेज किसको नहीं चाहिए होता है। हमारे प्रोजेक्ट से 2 मिनट के डिस्टेंस पे ये पीछे आप देख रहे हो लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सब कुछ है और ये बन के पूरा रेडी हो चुका है, सिर्फ कलर करने का काम चालू है। तो आपके प्रोजेक्ट के नजदीक में मेट्रो तो है ही, लेकिन डिग्री कॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ डिग्री कॉलेज नहीं, यहाँ पे स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल अपकमिंग, उसके बाद बजाज का इंटरनेशनल स्कूल वो भी है, वो भी मैं आपको चल के अपने साथ दिखाता हूँ। यहीं पे आगे आओगे तो आप यहाँ पे देख लोगे एजुटेक स्कूल है, ये जो है प्री प्राइमरी स्कूल है, तो ये सारे स्कूल्स भी आपको प्रोजेक्ट के बगल में मिलेंगे। इसी स्कूल से थोड़ा सा और आगे आओगे तो यहाँ पे आप देख लो अजंता इंटरनेशनल स्कूल है, CBSE बोर्ड है, पूरा करिकुलम CBSE का है, स्कूल बसेस वगैरह सब कुछ है। हालांकि ये प्रोजेक्ट से 3-4 मिनट के डिस्टेंस पे, प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में जो बन रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक 3-way रास्ता दिखा रहा हूँ, 1, 2 और 3। ये सिर्फ रास्ता नहीं है, अपने प्रोजेक्ट से अगर आप 1 मिनट पैदल चल के चलोगे तो आपको इस जगह पर बस स्टॉप मिलेगा। यहीं पे सारी बसेस आती है, सरकारी बसेस, जहां भी आपको जाना है आप आसानी से यहां से बस लेके जा सकते हो। तो लोगों को चाहिए होता है भाई कनेक्टिविटी, स्टेशन नजदीक हो वो तो चाहिए ही, लेकिन बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप ये भी नजदीक होना चाहिए। तो आपको सीधे सीधे बता देता हूं, अपने प्रोजेक्ट से 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टॉप भी है। ये भी एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने आप देख रहे हो ये है RTO ऑफिस और यहाँ का यही लैंडमार्क है। सामने आप देखोगे सारे रिक्शा वाले खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपना अपना लाइसेंस, जो भी चीजें हैं गवर्नमेंट की वो बनाने के लिए। ये प्रॉपर RTO ऑफिस है, यहाँ पे सबका लाइसेंस वगैरह हर एक चीज बनती है, यहीं पे सारी टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें कराई जाती है, यही लैंडमार्क है। यहाँ से आप सामने जाओगे और अपना प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। हम लोग यहाँ से आगे आते हैं RTO ऑफिस से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये तो पूरा सिडको का इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना नीचे, जो ये सारी चीजें बनी हुई, ये टेम्पररी घर है जो लोगों के लिए, जो यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए बनाया। तो आप घर ही देखो, टेम्पररी घर कितना बना हुआ है। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये बस इतनी ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये सोचना है कि सिडको जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे अपनी बिल्डिंग बना रही है और यहीं से सामने अपना प्रोजेक्ट है, तो इस एरिया का डिमांड कितना ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग बहुत सारे फ्लैट्स बना रहे हैं, और इस एरिया का वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर में इसका प्राइस कितना बनने वाला है कि सिडको यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसी हिसाब से आप सोच के कंपेयर करके तभी इन्वेस्ट करना। यहाँ पे आप देख लो डेवलपमेंट कितना ज्यादा हो रहा है। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल बोर्ड जो है स्कूल, उसका लैंड है, यहाँ पे उसी का स्कूल बनने वाला है और इसके जस्ट बगल में अपना प्रोजेक्ट चालू हो जाता है। सब कुछ मैं आपको इन डिटेल दिखाता हूँ ताकि आपको घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। ये आप देख लो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ना ये अंदर भी बन रहा है, इसके आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पे भी बन रहा है। ये देखो, ये आप देख लो आखिर यहाँ पे बन कितना सारा रहा है ये सिडको का पूरा प्रोजेक्ट। तो आप उस हिसाब से समझ जाओ कि सिडको यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इस एरिया में, इस लोकेशन में कुछ तो बात है। ये सामने आप एक प्रोजेक्ट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बन के 7 माले का ही प्रोजेक्ट है। मैं आपको आज 14 माले का प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हो बन के पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, दिसंबर में ही इसका पोजेशन है, मतलब जो बिल्डर है वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट काफी सारे नवी मुंबई के अंदर बना चुका है और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बैक टू बैक
डिलीवर किया है। ऑफिस के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, ऑफिस में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा। ठीक, आप देख रहे हो सिडको के सामने अपना ऑफिस है, अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। 3D मॉडल वगैरह एक एक चीज बन के पूरी रेडी हो गई है। आप भी जब भी साइट विजिट करोगे तो ऑब्वियसली हमारी मुलाकात यहाँ पे होंगी। आपको मैं दिखा रहा हूँ, सामने आप देख रहे हो पूरा 3D मॉडल बन के अपडेटेड 3D मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। ये साइट जो है अपडेटेड है, नीचे बहुत सारे कमर्शियल शॉप्स भी आ चुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी की पूरी बिल्डिंग रोमन थीम पे बनी हुई है। सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट ये है इस प्रॉपर्टी का कि रोमन थीम पे बनी हुई बिल्डिंग इस बजट में तो कतई नहीं मिलेगी। नीचे आप एमेनिटीज देख रहे हो, दोनों बिल्डिंग्स की अलग अलग एमेनिटीज हैं, स्विमिंग पूल, गार्डन, जिम एरिया, सारी चीजें यहां पे आपको मिल रही है। किड्स प्ले एरिया हो गया, सीनियर सिटीजन एरिया हो गया, दो दो स्विमिंग पूल आपको मिल रहा है और एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस पूरी बिल्डिंग में रहेगा। तो पार्किंग की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस है पार्किंग के लिए। अगर आप ओपन पार्किंग भी देख रहे हो तो ओपन पार्किंग भी आपको मिल जाएगा। दूसरी साइड में आपको लेके चलता हूं, रोमन थीम में जो बिल्डिंग खूबसूरत दिखती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, जब ये बिल्डिंग बन के रेडी होगी तभी आपको पता चलेगा इसकी असली खूबसूरती। नीचे आप देख रहे हो सारे जो शॉप्स है वो यहाँ पे खुलने वाले हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। बिल्डिंग के नीचे ही जो भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो मेडिकल है, शॉप है, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बिल्डिंग के नीचे ही मिल जाएगी। ये मेन एंट्रेंस गेट है, ये है SM Imperial। यहाँ पे आप देखोगे फिलहाल बिल्डिंग का काम काफी हो चुका है, ये तो पूरा रेडी है, इसका पोजेशन होने वाला है। मैं आपको लॉबी भी एक बार दिखा देता हूँ यहाँ का। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख लो, ये आपका एंट्रेंस लॉबी है। फिलहाल पूरी टाइलिंग वाइलिंग करके पूरा सुंदर लाइटिंग वाइटिंग, झूमर वगैरह सब कुछ लगा दिया है। सामने डोर की क्वालिटी, वुड की क्वालिटी आप देख लो, जो भी ये डेवलपर्स यूज करते हैं, SM डेवलपर्स, सारी चीजें प्रीमियम होती हैं। आप जितना भी पैसा दोगे सब आपको वर्थ इट महसूस होगा। सामने आ जाता है अपना स्टेयर, ऊपर लेके चलता हूँ, सैंपल फ्लैट भी आपको दिखा देता हूँ। अब सब कुछ मैं आपको दिखा ही रहा हूँ तो आपको सैंपल फ्लैट भी दिखा देता हूँ। घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही रही है। आपको करना बस इतना है कि साइट पे आना है, अपनी आंखों से खुद देखना है और बुकिंग करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप मेरे फोन के कैमरा से देख पाओगे उससे बहुत ज्यादा आप साइट विजिट करोगे तब देख पाओगे। फिलहाल मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये आप देख लो, ये अपना पूरा का पूरा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया अपने को काफी बड़ा मिलता है, तो ऐसा ही कंस्ट्रक्शन आपको SM Imperial में भी मिलेगा। सामने मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो ये अपना 1BHK सैंपल फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे आप डोर की क्वालिटी देखो, एक एक प्रोडक्ट जो यहां पे यूज किया है इतना प्रीमियम आपको फील देगा, ऐसा नहीं लगेगा भाई कि बजट में फ्लैट दे रहे हैं तो कुछ भी उठा के बेच दे रहे हैं। सारी चीजें प्रीमियम लगा के मिलती है। अंदर हम लोग एंटर करते हैं, आप हॉल का साइज देखो, हॉल का साइज आपको काफी बड़ा यहां पे देखने को मिलेगा। सामने मैं आपको ये खोल के दिखाता हूं, यहां से आप देख लो, यहां पे आपको बैल्कनी देखने को मिलेगी, बैल्कनी डिसेंट साइज की आपको देखने को मिलती है यहां पे। उसके बाद आप अपार्टमेंट का साइज देख ही रहे हो, हर चीज की क्वालिटी मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। चाहे कोई भी चीज इस अपार्टमेंट के अंदर लगी हो, सारी चीजें यहां पे अपने को जबरदस्त मिलती है। अंदर मैं आपको लेके चलता हूं, यहां पे आप देखोगे पैसेज जो है यहां पे काफी बड़ा पैसेज आपको देखने को मिलता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, टाइल का साइज देखो, इतना बड़ा एक टाइल्स है यार, मैं थोड़ा वियर्ड लग रहा रहूंगा बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइल की क्वालिटी भी कितनी जबरदस्त है। पैसेज आपको यहां पे अपना देखने को मिलेगा, राइट साइड में टर्न करोगे आपका वॉशरूम बाथरूम आ जाता है, पूरी टाइलिंग के साथ ये भी मिलेगा, सिंक इन मिल रहा है, शावर मिल रहा है, आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल रहा है। यहां पे भी टाइल की क्वालिटी काफी अच्छी है, एग्जॉस्ट फैन, हर एक चीज आपको लगा के मिल रही है। सामने मैं आपको लेके चल लूं, पैसेज आप देखो, पूरी टाइलिंग पैसेज में भी की हुई है। यहां पे आपको लेके आता हूं, आप देखोगे जो किचन है, किचन का स्पेस भी काफी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। थोड़ी सी मजदूरी करके इसको खोल लेता हूं। यहां पे आप देख लो, किचन स्पेशियस है, सिंगल प्लेटफॉर्म आता है 1BHK में, डबल प्लेटफॉर्म होता तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिलहाल अपने पास ये है। आपको यहाँ पे बड़ी बैल्कनी देखने को मिलती है, आप देख लो बाहर बैल्कनी काफी अच्छे साइज की है। हॉल में भी अगर इसी साइज की बैल्कनी होती तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन एनीवेज इस बजट में आपको ये चीज मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैं आपको अंदर लेके आता हूँ, यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हॉल में एक अच्छी क्वालिटी का डोर लगा दिया उसके बाद नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे भी आप देखोगे बेडरूम के अंदर भी सेम क्वालिटी का वॉल लगा डोर लगाया हुआ है, अच्छी क्वालिटी है हर एक चीज में। बेडरूम का साइज आप देख ही रहे हो, काफी बड़ा है बेडरूम। विंडो खोल के दिखा देता हूं, यहां पे भी आपको अपनी बैल्कनी देखने को मिल जाएगी। तो बैल्कनी का साइज आप देख लो, हॉल के बैल्कनी जितना ही सेम है, तो हॉल में भी बैल्कनी है, किचन में भी है और बेडरूम में भी है। एक चीज और,
ये बेडरूम अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम के साथ आता है, मतलब ये मास्टर बेडरूम है। सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कॉमन वाला वॉशरूम बाथरूम है लगभग उसी उसी के साइज का, थोड़ा सा छोटा होगा। सेम आपको सिंक इन, वेस्टर्न टॉयलेट, शावर, एग्जॉस्ट, हर एक चीज इस 1 BHK अपार्टमेंट में A to Z इतने कम बजट में सब कुछ मिलता है। मैं आपको सीधा साइड पे ही लेके आ गया हूँ, साइड पे आप देख लो कंस्ट्रक्शन स्पीड। पिछली बार मैं आया था तब कितना सा काम हुआ था, और अभी आप देख लो, पिछली बार मैं बोलूंगा कितना, 10-15 दिन पहले ये सब कुछ भी नहीं था, सिर्फ नीचे का काम हो रहा था, और अभी आप देखो नीचे का काम पूरा कंप्लीट हो गया है और पहले माले का स्लैब होने जा रहा है या स्लैब हो चुका है। तो स्पीड आप देखो कंस्ट्रक्शन की, SM डेवलपर्स है भाई, नवी मुंबई में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ऑब्वियसली स्पीड तो बनता है। क्या क्या चीजें और डिटेल में है वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। सीधा खारघर को कनेक्ट करने वाला ब्रिज यही जस्ट बगल में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो जस्ट बगल से ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन सीधा दीवा, वसई, हर एक लोकेशन पे पहुंचती है। अपने प्रोजेक्ट से 5 मिनट के डिस्टेंस पे ये पंचानन रेलवे स्टेशन है, ठीक सामने वहीं पर इसका प्लेटफॉर्म है। तो फाइनली अब सब कुछ आपको मैंने दिखाई दिया है, तो कुछ और चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ, और फाइनली आपको प्राइस और एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दूंगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे खड़ा हूँ, ये आप ब्रिज देख रहे हो, ये कंप्लीट ब्रिज हो चुका है, 90-80% इसका काम खत्म हो चुका है। ये ब्रिज आप सामने देखोगे, वो जो रास्ता देख रहा है ना आपको सीधा, ये जो ब्रिज जहां पर लेके जा रहा है आपको, वहीं पे अपना प्रोजेक्ट है। अपने प्रोजेक्ट से 2 मिनट के डिस्टेंस पे ये खारघर को टच करने वाला ब्रिज है, जो खारघर स्टेशन आपको पहुंचा देगा सीधे सीधे। मतलब आपको मैंने इनडायरेक्टली बता दिया कि ये प्रोजेक्ट है कहां पे, तो सबसे नजदीक में जो रेलवे स्टेशन है वो है खारघर रेलवे स्टेशन। खारघर रेलवे स्टेशन से 15 मिनट का आपको टाइम लगेगा। बगल में ही एक और रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है पंचानन रेलवे स्टेशन, 2 मिनट के डिस्टेंस पे। लेकिन पंचानन रेलवे स्टेशन पे बैक टू बैक ट्रेन नहीं है, तो वो एक दिक्कत है। बाकी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन खारघर कौन नहीं जानता है। तो खारघर को और अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने वाला ये ब्रिज है, ये ब्रिज का काम बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रिज बनके कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट भी खारघर पहुंचने में आपको नहीं लगेगा। फाइनल चीजें मैं आपको बताता हूं, ये प्रोजेक्ट से नजदीक में है एयरपोर्ट, स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, बिल्डिंग के नीचे हॉस्पिटल, मेडिकल स्कूल, कॉलेजेस, सारी चीजें एक से एक कनेक्टिविटी आपको प्रोजेक्ट के बगल में मिलती है। बस स्टॉप भी मैंने आपको दिखाया, सिडको का आप इतना डेवलपमेंट देख रहे हो, सामने मैं आपको दिखा देता हूं, वो आप देख लो, वहां पे पूरा का पूरा सिडको का और प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं तो बोलूंगा भाई यहाँ पे इतना सिडको डेवलपमेंट का, मेरे पीछे भी आप देखोगे ना, ये जितना भी आप देख रहे हो सब सिडको ने बनाया, कुछ 60-70 हजार फ्लैट है, यानी कि 60-70 हजार फैमिलीज। तो अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो, गाला भी खरीदना चाहते हो, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आप खाली खारघर का फ्यूचर सोचो, सिडको इतना डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब कुछ तो बात है। एनीवेज ये बात तो मैंने आपको बहुत बार बोली, अब आप सोचिए क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। फाइनल बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो फाइनली सब कुछ तो आपने देख ही लिया है, मेट्रो स्टेशन हो, स्कूल हो, RTO ऑफिस हो, मेन रोड हो, खारघर का मेन हाईवे हो, सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको बताता हूं इस मार्केट में जहां पे आप बाहर निकलोगे 45 लाख रुपीज तक का आपको 1 BHK मिल रहा है। मान लो कोई नया प्रोजेक्ट है तो 40 लाख रुपए में भी 1 BHK मिल रहा है। लेकिन मैं इतनी सारी कनेक्टिविटी होने के बाद भी पर्सनली बात करके अपना सब्सक्राइबर मैंने उनको दिखाया, सब्सक्राइबर बेस मैंने उनको दिखाया, और स्पेशल डिस्काउंट में लेके आया हूं। सीधा 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 1 BHK 35 नहीं, सीधे सीधे 33 लाख प्लस टैक्सेस में आपके लिए लेके आया हूं। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको सिर्फ साइट पे आना है, पिक एंड ड्रॉप भी आपको मिल जाएगा। जहां भी आप रहते हो पिक एंड ड्रॉप की पूरी सर्विस आपको मिलेगी। साइट पे आओ, एक बार खुद आप देखो, जो चीजें मैंने वीडियो में बताई आपको, एक बार खुद आप देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कनेक्टिविटी वाइज ये प्रोजेक्ट कितना जबरदस्त है। और मार्केट में एक बार घूमो, प्राइजेस निकालो, आपको पता चलेगा मार्केट में किस प्राइस में प्रॉपर्टी मिल रही है और व्हाइट कॉलर बिजनेस आपके लिए किस प्राइस में प्रॉपर्टी ले गया है। स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है, तुरंत उस पर कॉल करो, सारी इंफॉर्मेशन फोन पे मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगा, ब्रोशर मिल जाएगा, कॉस्ट शीट मिल जाएगा, उसके बाद साइट विजिट भी आपको मिल जाएगी। आपको बस करना क्या है कि मेरी मेहनत को सपोर्ट करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में फिर से मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन 2 BHK का प्राइस उसके पहले बता के जाता हूं। 2 BHK भी आपको 45 प्लस टैक्सेस में मिल रहा है। सोचो 45 40 लाख में जहां 1 BHK मिल रहा है, यहां पे 45 प्लस टैक्सेस में
2 BHK आपको दे रहे हैं, 14 माले का टावर है, इतनी बड़ी बड़ी एमेनिटीज है, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ, वो भी रोमन थीम के साथ ये बिल्डिंग बन रहा है। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, जरूर साइट विजिट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।